reactions due to lone pair of lone pair on ethereal oxygen. ethereal oxygen यानी ether की oxygen पे जो lone pair है उसके कारण होने वाली reactions. इसमें अगर हम example देखें तो हमारे पास देखिए सबसे पहला है reaction with HCl and H2SO4. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 के साथ होने वाली रिएक्शंस. मान लीजिए आपके पास की डाइथाइल ईथर C2H5O, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है एंड C2H5 एंड इट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस H+ एंड Cl-. ऑब्वियस है हमारा H+ ऑक्सीजन के पास जाएगा क्योंकि वहाँ यू कैन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर के कारण ज़्यादा है. तो हमारे पास क्या स्थिति बनी, हमारे पास स्थिति बनी साहब C2H5 एक लोन पेयर एज इट इज है आपके पास. एक लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन उस H+ को दिया जाता है जो कि हमारे पास यू कैन सी HCl से आ रहा है. जैसे ही एक लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन H+ को दिया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा तो उसका यू कैन से प्लस चार्ज एलिमिनेट हो जाता है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है एंड दैट प्लस चार्ज इज एक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के द्वारा प्लस चार्ज एक्वायर हो जाता है और ये जो Cl- है जो HCl का है दैट इज एसोसिएट विथ दिस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन बाय द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट एंड द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड. डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड. सिमिलर रिएक्शन टेक प्लेस इफ वी यूज यू कैन से सल्फ्यूरिक एसिड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सपोज दिस वन इज योर you can say sulfuric acid H+ and HSO4-. When this reaction take place, the reaction is just similar to those of the previous one. Means C2H5O, C2H5. One lone pair, one goes with the you can say this H+, जिससे उसका प्लस चार्ज O के पास आ गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया एंड HSO4 जो है वो इसके साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के द्वारा बंधा हुआ रह गया. अगर हम नाम देखें वही डाइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट नाम होगा डाइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. In these two reaction means reaction with hydrochloric acid and reaction with sulfuric acid, diethyl ether is accepting proton. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों reaction, reaction with HCl और reaction with H2SO4 में जो ether है, जो diethyl ether है, वो proton यानी H+ acceptor है और proton acceptor जो है Bronsted and Lowry के हिसाब से यू कैन से बेस होते हैं
तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ ईथर और रिएक्शन ऑफ ईथर विथ एच सी एल एंड एच टू एस ओ फोर इंडिकेट ईथर और डाईथाइल ईथर एक्ट एज ब्रोंस्टिड लॉरी बेस्ड।